तो वही नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में गर्मी से पेयजल किल्लत की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब है वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे गए हैं ताकि लोगों को पेयजल की किल्लत की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवा।